हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एक सब्सक्राइबर ने हमें रिक्वेस्ट किया था कि मैं उनको एक्ने स्टार जेल और क्लीन टॉप जेल के बीच में कंपैरिजन करके बताऊं कि कौन सा ज्यादा बेटर है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास और भी जेल थे तो मैं इन चारों के बीच में आपको कंपैरिजन करके बता देता हूं कि कौन सा ज्यादा अच्छा है और कौन सा ज्यादा हमारे एक्ने पिंपल्स को दूर करने के लिए अच्छा है। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हम इनके बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये पहला नंबर पर है एरोटॉप जेल, जिसमें यूज किया क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल USP को। और फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात बता दूं तो आपको ये लगभग 121 रुपए का मार्केट में मिल जाएगा किसी भी मेडिकल के स्टोर पे। एंड फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास है क्लीन टॉप जेल, जिसमें दोस्तों सेम इंग्रेडिएंट्स क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल को यूज किया है। ये भी फ्रेंड्स हमारे फेस के एक्ने पिंपल्स को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। और फ्रेंड्स, बात करें इसकी प्राइस की, सो फ्रेंड्स इसकी प्राइस है ओनली 51 रुपीज। एंड फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पे आता है हमारा एक्ने स्टार जेल, जिसमें दोस्तों क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल एंड निकोटिनामाइड जेल को यूज किया है। सो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात बता दूं तो इसकी प्राइस लगभग आपको मिल जाएगी 70 रुपीज के समथिंग। और ये भी हमारे फेस के एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफी बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे है हमारे पास है क्लिंसोल जेल, जिसमें क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल एंड निकोटिनामाइड जेल को यूज किया है। और फ्रेंड्स, इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है ओनली 60 रुपीज। अब फ्रेंड्स, ये जो दो जेल हैं, क्लिंसोल जेल और एक्ने स्टार जेल, इनमें दोस्तों क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल के साथ में निकोटिनामाइड जेल को भी यूज किया है। बट दोस्तों, ये जो जेल हैं एरिटॉप जेल और क्लीन टॉप जेल, इनमें ओनली क्लिंडामाइसिन फास्फेट जेल को यूज किया है। बट फ्रेंड्स, आपको इन दोनों में डिफरेंस बता दूं कि इनमें जो निकोटिनामाइड जेल है, ये भी हमारे फेस के एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को जल्दी से रिमूव करने में हेल्प करता है। यानी कि जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हमारे फेस पर हो रखी है, उनको दूर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन दोनों के बीच में, इन चारों के बीच में कोई डिफरेंस देखना चाहते हो तो किसी भी प्रकार का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल भी हमारे फेस पर सेफ है, इनके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे अगर दोस्तों आप इनका सही प्रकार से यूज करोगे तो। आपको दोस्तों ये ओनली नाइट में यूज करना है, बिल्कुल भी लगाकर धूप में नहीं जाना है, इनको ओनली नाइट में यूज करना, और आपको बिल्कुल भी हमारे फेस पर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स, आपको एक बात और बता दूं कि आप एक के साथ में दूसरा जेल या फिर दूसरी क्रीम को मिक्स करके बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि एक बार में एक ही क्रीम को यूज करोगे तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये चारों ही अच्छे हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।